लोकिन साहब पार्टी प्रति तो पांच साल लोगों की की हुई सेवा का फल है। लोकिन साहब पार्टी जी सिद्धांतवादी पार्टी है जिदा सिद्धांत हैगा पंजाब दे विचो करप्शन ते लुट माफिया वो खत्म करना, वो वास्ते चाहे जेलां कटनिया पईआं चाहे मुकदमे सहने पे ते लोकां दी सपोर्ट ते साथ ये अज तुहाडे सामने हैगा। सो गिल हल्के तो सत्कारयोग एड्डी वड्डी संगत दा पहुँचना ये इस गल दी शादी भरदा, इस गल दा संकेत करदा कि आने वाले दिनों दे विच जिहड़ी 2022 दी असैंबली इलैक्शन आ विधानसभा के दरवाजे की चाबी लोक इंसाफ पार्टी के कोले होगी। इस बारे जो कोई दो रावान नहीं, 5 तरीक नूं नरेंद्र मोदी आ रहे हैं पंजाब, रैली कर रहे हैं, गठजोड़ भी होया वड्डा गठजोड़ जिहड़ा कि कैप्टन ते नाल हिट होणा ने, ओह किस तरह देखदे हो? देखो नरेंद्र मोदी बीजेपी एंड आरएसएस 1996 तो लगातार 2021 तक अकाली दल के संपर्क के गठजोड़ के 24-25 साल के अरसे जे पंजाब दे पंजाबियों नूं कुछ नहीं दिता, बादलों बुरकी पा दी, बादलों के घर कोठे भर दिते, तो धरो कमाया पंजाब दे लोकां दे नाल ते सूबा पंजाब दे नाल। सो असीं ये डिमांड करते हैं, मंग आ साडी कि पंजाब दीआं हक्की मंगां, चाहे वह करजा किसान दा ते चाहे सूबे दा, चाहे वह चंडीगढ़ पंजाब नूं देण दी गल आ, चाहे बेकसूर लोग जिहड़े जेलां 'च बैठे उहनां नूं छड्डण दी गल आ, ये सारिया गल्लां दे उत्ते नरेंद्र मोदी लकीर मार के जाण। देखो ये जिहड़ा किसान जथेबंदी का कोई सवाल उन्होंने क्यों घराओ करना देश के प्रधानमंत्री का, ये उन्होंने तो पुछो, उही इहदा वाजब जवाब दे सकदे आ। ये सवाल मेरे को पुछण दा नहीं, कुर्सी प्राप्त करन दे चक्करां दे विच है। पर पंजाब दा वोटर बड़ा सूझवान है, पंजाब दे वोटर नूं कल्ली कल्ली गल दी जानकारी है कि ये लोग की चाहुंदे आ, मनशा की है। वह गुरु ग्रंथ साहिब दा अपमान होवे, मंदिर दे विच कोई होवे अपमान, जां किसी होर धर्म के धार्मिक स्थान के उत्ते अपमान होवे, लोग सब समझते हैं। लोग इन्हां दीआं चालां 'च नहीं आउणगे, लोग निरपक्षता दे नाल ऑन मैरिट कम दे आधार दे उत्ते अपना वोट पाउणगे। पंथक इकट्ठ कीता गया अकाली दल वल्लों बेअदबी दे मुद्दे नूं लै के, पंथक इकट्ठ कीता गया वा जी अकाली दल वल्लों अज्ज। सो दोस्त मैं ये गल कहां वी पंजाबी दी कहावत चोर मचावे शोर, ये उही लोग है जिहड़े 10 साल अपने कार्यकाल के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब दा अंग अंग रूड़ियां ते रलवाउण दे विच सब तो वड्डी छत्रछाया, ये उही लोग हैगे आ। किद्दां भुल जाणगे पंजाब दे लोग? अजे पंथ इकट्ठां दे नाम दे उत्ते पंथ दे मुखौटे दे अंदर डोगरे छुपे हुए लोग इदां दीआं गल्लां करन, ये कोई इन्हां दा तो अर्थ नहीं। दल बदलू मौसम हैगा, ये दल बदलू मौसम है। तुसीं अपनी पार्टी संगठन जिन्हें तुहानूं नाम दिता तुसीं उहदे वास्ते खड़ो, वोटां दे दिनां 'च कुर्सियां लैण दे चक्करां 'च खब्बे हों सज्जे सज्जे हों खब्बे, ये चलदा आया ते चलदा रहना, दल बदलूआं दा मौसम है। ਕਿਆ ਸਭ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆ? ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਆ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਸਾਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਆ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ ਸੀਐਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਲਏ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਸੀਐਮ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ।
देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।